I am Sangeeta Negi from Polycystic. Today we are going to study nitrogen cycle. सबसे पहले जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसे डायरेक्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक योर प्लांट एनिमल्स वो डायरेक्टली उसको नहीं ले सकते ठीक है बिकॉज वो N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इट इज नॉट ईजिली ब्रेकेबल ठीक टोटल जो 78% ऑफ नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है और प्लांट्स और एनिमल्स में भी जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं फॉर एग्जांपल लाइक प्रोटीन के फॉर्म में अमीनो एसिड्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए एंड सम विटामिन्स आर आल्सो हैविंग दैट नाइट्रोजन अब सबसे पहले नाइट्रोजन क्या होता है एलिमेंटल फॉर्म से वो कहाँ पे आएगा पहले हमारे सॉइल में आता है सॉइल से उसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के ऊपर कौन फीड करेंगे हमारे एनिमल्स फीड करते हैं फिर इन दोनों की जो प्लांट और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो फिर वो दोबारा विद द हेल्प ऑफ लाइक हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्प से वो दोबारा इसमें हमारे एटमोसफेयर में आ जाता है ठीक है ब्रीफ इंट्रो हो गया अब हम स्टार्टिंग से देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल में देयर आर टोटल पांच स्टेप्स हैं इसमें सबसे पहले होता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा कि ये दो टाइप्स होती है एक तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है और दूसरी होती है हमारी एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होती है जैसे हम जिसे फिजिकल फिक्सेशन भी बोलते हैं जैसे एक होगी बायोलॉजिकल एक होगी फिजिकल फिक्सेशन अब बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होता है बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया में भी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं जो ऐसे ही सॉइल में हैं और ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो किसी के साथ एसोसिएटेड है लाइक द रूट नोड्यूल्स में एसोसिएटेड होते हैं डाइकॉट प्लांट्स के ठीक है तो जैसे हमारा फ्री लिविंग बैक्टीरिया का यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे था आपको एजोटोबैक्टर एंड यहाँ पे जो एसोसिएटेड बैक्टीरिया होते हैं जैसे रूट नोड्यूल्स के साथ विद द जो लेग्यूलिनस प्लांट्स हैं उनके रूट नोड्यूल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं इसमें है एग्जाम्पल हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया ये जो बैक्टीरिया है इनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन यूज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन एटमोसफेयर में प्रेजेंट है ये उसको यूज कर सकते हैं तो जब ये उसको यूज करते हैं ये नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में लाइक योर नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स में ये नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं अब जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में आ गया अब उसके बाद जो सेकेंड फिक्सेशन है नाइट्रोजन की वो होगी फिजिकल प्रोसेस से विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग ठीक है जो थंडरिंग होती है तो उसमें क्या होता है जो थंडरिंग के टाइम पे लाइटनिंग के टाइम पे बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है एन 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 के बीच में वो ब्रेक डाउन हो जाता है जैसे ही जो हमारा एन है वो फ्री होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ठीक है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और फिर रेन भी होती है साथ में तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड फॉर्म कर देता है फिर नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड फॉर्म करके वो दोबारा सॉइल में आ जाता है और सॉइल में आकर के वो फिर दोबारा नाइट्रेट्स में चेंज हो जाता है सॉइल में अब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई जो हमारा नाइट्रोजन है वो एलिमेंटल फॉर्म से सॉइल में आ गया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स ठीक है ये फर्स्ट स्टेप था अब सेकेंड स्टेप है हमारा नाइट्रोजन एसिमिलेशन कि उसकी एसिमिलेशन कैसे होगी अब वो सॉइल में है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स प्लांट सॉइल से इन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स में वो अभी मैंने बताया था आपको पहले भी कि वो क्या फॉर्म कर रहे हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर लाइक अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स कुछ विटामिन्स हो गए एंजाइम्स लाइक फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए इन सब की फॉर्मेशन हो जाती है ठीक है न्यूक्लिक एसिड्स की प्लांट और एनिमल्स में जैसे प्लांट्स में फॉर्मेशन हुई इन सब की तो एनिमल्स क्या करते हैं प्लांट के ऊपर फीड करते हैं तो अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ चलेगा नाइट्रोजन एनिमल्स में चलेगा ठीक है जो तो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं ठीक है प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं तो उनके पास तो चलेगा नाइट्रोजन बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं लाइक आर कार्निवोर्स तो उनके पास कहाँ से नाइट्रोजन आएगा तो एक्चुअली क्या है जो कार्निवोर्स है वो एनिमल को फीड कर रहे हैं और वो एनिमल क्या है डायरेक्टली प्लांट को फीड करता है तो इनडायरेक्टली वो जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पहुँच रहा है हमारे कार्निवोर के पास भी पहुंचा रहा है ठीक है तो इनके अंदर भी सबके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन अमीनो एसिड
ये सारे नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारा नाइट्रोजन आ गया, इसको हमने बोल दिया नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन के बाद आता है अमोनिफिकेशन। अब जो थर्ड रिएक्शन है, जो अब अमोनिफिकेशन कैसे हुआ, जैसे ही प्लांट और एनिमल्स के अंदर आया, फिर एक टाइम के बाद प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उस उनकी जो डेड बॉडी है उसके ऊपर क्या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, ठीक है, उसको डिकम्पोज करते हैं उनकी बॉडी को। तो वो जो डिकम्पोजिशन होती है तो उसमें अमोनिफिकेशन रिएक्शन होता है। जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दोबारा हमारे वो सॉइल में आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता रखा है, देखो नाइट्रोजन एटमोसफेयर में है, फिर वो एनिमल्स और प्लांट्स में आ गया, एनिमल्स एंड प्लांट्स में आकर के फिर इनकी जब डेथ हो गई तो अमोनिफिकेशन रिएक्शन से वो अमोनिया बन गया। ठीक है, अभी तक हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब अमोनिया जैसे ही वो फॉर्म हो गया, अमोनिया के फॉर्म होने के बाद हमारा फोर्थ रिएक्शन होगा, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन होता है, देखो अमोनिया है, नाइट्रिफिकेशन भी विद द हेल्प ऑफ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होता है। ठीक है, जो अमोनिया है अब विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है वो इसको कन्वर्ट करेगा आपके नाइट्राइट में। देखो नाइट्राइट फॉर्म हो गया, फिर नाइट्राइट के ऊपर जो फीड करेगा वो है हमारा नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। जो नाइट्रोबैक्टर है वो उसको चेंज कर देगा हमारे नाइट्रेट्स में। अब नाइट्रेट्स में आ गया, दोबारा सॉइल में नाइट्रेट्स में आ गया, जो नाइट्रोजन है किस फॉर्म में आ गया, नाइट्रेट्स के फॉर्म में। फिर उसके बाद जो फिफ्थ है, लास्ट है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे नाइट्रेट के ऊपर, नाइट्रेट के ऊपर फीड करेंगे और उसको दोबारा किसमें चेंज कर देंगे, एलिमेंटल फॉर्म में, दैट इज N2 की फॉर्म में, और फिर हमारे एटमोसफेयर में आ गया। तो एक साइक्लिक प्रोसेस होगी ना, देखो पहले वो एलिमेंटल फॉर्म में था, फिर वो कितने एक पाथवे फॉलो करके दोबारा ही हमारे एटमोसफेयर में N2 की फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो पूरी एक साइकिल कंप्लीट होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। अब यहाँ पे आके यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, देखो अमोनिया के फॉर्म में आ गया, अमोनिया के फॉर्म में फिर वो नाइट्रेट नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से फिर नाइट्रेट्स में, फिर जो डीनाइट्रिफिकेशन रिएक्शन है, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो नाइट्रेट्स हैं वो दोबारा N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में, नाइट्रोजन के दोबारा एटमोसफेयर में चले गए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फिजिकल, यहाँ पे वो लाइटनिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, जो यहाँ पे है लाइटनिंग की प्रोसेस से यहाँ पे एटमोस्फेरिक फिक्सेशन हो रही है। ठीक है, उसे नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। अब नाइट्रिक और नाइट्रस और जो एसिड्स है वो आ जाते हैं सॉइल में, फिर वो नाइट्रेट्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रेट्स के बाद उनकी भी डीनाइट्रिफिकेशन अगर हो गई विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोबारा वो एलिमेंटल फॉर्म में एटमोसफेयर में आ गए। तो ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल थी। थैंक यू। If you like my video, like it and subscribe our channel.